मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी यहाँ वतन है, हिंदोस्ता हिंदोस्ता हिंदोस्ता। तो हम हिंदुस्तान की संतान है, हम हिंदुस्तान में रहते हैं और आपने इसको बखूबी साबित किया। तो मेरा और डीएम साहब का आने का उद्देश्य यही है कि पहले जो कल आप लोगों ने अपनी संवेदनशीलता का जो परिचय दिया है, जो समझदारी का परिचय दिया है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पूरा जनपद बधाईयों में कोई छोटी सी घटना नहीं हुई, एक छोटी सी भी घटना तू तू मैं की भी नहीं हुई, बाकी चीजें तो बोल जाइए। मैं आज से 10 महीने पहले जब बधाईयों में आया था इटावा से, तो मुझे महीने दो महीने बड़ा अजीब सा लगता था बधाईयों। अब बधाईयों धीरे धीरे इतनी इज्जत मिलने लगी, इतना सम्मान मिलने लगा, इतने अच्छे लोग आप हैं, क्योंकि आपके जो जुबान पे है वही आपके दिल में है। जब आपने यहां से कोई वादा कर दिया तो वादा खिलाफी नहीं करते, ये आपकी सबसे बड़ी खासियत है और इस जज्बे को, इस आपकी इस भावना को मैं सलाम करता हूं। प्यारे साथियों, बहुत चीजें आती हैं, बड़े बड़े आंदोलन आते हैं, चले जाते हैं, लेकिन ये कुछ गलत बातें रहती हैं तो वही हम लोगों के जहन में बनी रहती है। हम लोग तो ठहरे परदेशी, 10 महीने 15 महीने साल 1.5 साल रहेंगे और यहां से चल देंगे, लेकिन फिर यही यादें लेके जाते हैं कि भाई बदायूं में जब हम लोग थे, SSP थे, जब हम DM थे, जब हम ADM थे, SPCT थे, CO थे, SDM थे, तो हमें बदायूं की जनता ने क्या दिया। तो आपने जो मोहब्बत दी है, जो हम लोगों की बात वादा खिलाफी नहीं हुई, जो आपने वादा किया उसको निभाया, बस उसी को कहने का इस समय है। ज्यादा बातें हम नहीं करेंगे, सबको मालूम है कि हमें यही रहना है, चाहे कोई भी हो, ये हमारा वतन है, हमें यही रहना है और रहते भी हैं। तो कृपया बस इसी भावना को बनाए रखिए, ऐसे ही हमारा सहयोग करते रहिए, हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ हैं। अधिक बातें नहीं होंगी, अब मैं जिलाधिकारी महोदय से निवेदन करूंगा कि 2 शब्द कहने का कष्ट करें। डीएम साहब, हमको शांति के मार्ग पे चलने में प्रेरित करती रहेगी। पिछले दिनों देखा गया है तहजीब से कि बदायूं जिले का जो मान है, जो गौरव है, जो पहले रहा है,